ये है बोइंग 747 का नया शाहकार द डैश 8। आसमान छूने के लिए टेक ऑफ करता हुआ, लेकिन तभी अचानक पायलट जोर से ब्रेक्स लगाते हैं। सतह पर तेजी से रगड़ने के बाद टायर गर्म होकर लाल हो उठते हैं। फायर फाइटर्स तेजी से पहुंचते हैं लेकिन ठहर जाते हैं। लेकिन ये कोई हादसा नहीं बल्कि नए 747 का एक परीक्षण है, और अगर इस दौरान इसमें आग लग जाती तो इसका मतलब था कि ये नाकाम हुआ। पिछले 40 वर्षों से जंबो आसमान का बेताज बादशाह रहा है, लेकिन हाल ही में उसका ये ताज एयरबस A380 ने छीन लिया। लेकिन टीम बोइंग को वो ताज वापस चाहिए, इसलिए वो इस शानदार प्लेन को पूरी तरह रीडिजाइन करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के अंदर, जो है बोइंग मेगाफैक्ट्री। तनाव भरे 5 मिनटों के बाद फायर क्रू ने ब्रेक्स को ठंडा किया। ये सबूत है कि अगर टेक ऑफ के दौरान प्लेन के साथ ऐसा होता तो भी उसमें बैठे पैसेंजर्स सेफ रहेंगे। बोइंग को उम्मीद है कि प्लेन के साथ ऐसा पहली और आखिरी बार हो रहा है। 747-8 कंपनी का सबसे नया और तकनीकी रूप से सबसे काबिल प्लेन है। ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेन होगा और अपनी क्लास में सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली। आसमान चूमने वाले हर एक जंबो की तरह इस प्लेन को भी सिएटल के नॉर्थ में एवरेट वॉशिंगटन में बनाया जाएगा। बोइंग की ये मेगा फैक्ट्री विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इसके विशाल दरवाजों पर बने डिजाइन इतने बड़े हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इतनी बड़ी कि इसमें पूरा डिज्नीलैंड एक बार समा सकता है, और फिर भी कुछ जगह पार्किंग के लिए बच जाएगी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री ही नहीं, एक छोटा सा शहर है। इसके पास अपना फायर डिपार्टमेंट है और अमेरिका की 7 सबसे बड़ी कॉफी शॉप्स भी। ऑलराइट, तो आपके हो गए $2 प्लीज। इस विशाल औद्योगिक फैक्ट्री में वर्कर्स आने जाने के लिए मजबूत ट्राइसिकल्स और बाइसिकल्स की मदद लेते हैं, और कईयों को तो इसके रास्तों से वाकिफ होने में महीनों लग जाते हैं। इसका साइज सचमुच बहुत बड़ा है। पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था, मुझे बिल्कुल पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। 23.5 साल हो चुके हैं और मैं अभी भी कभी कभार इस फैक्ट्री में खो जाता हूँ। ये इमारत इतनी बड़ी है कि इसकी 11वीं मंजिल की छत पर बादल बनने लगते हैं, और छोटे बड़े प्लेन्स के बिखरे हुए पार्ट्स का नजारा हैरान कर देने वाला होता है। लेकिन हैरानी भरे इस नजारे के पीछे भी एक वजह है। कंपनी जो भी प्लेन बनाती है उन सभी के लिए अपना अलग स्थान होता है, और ये जगह कंपनी के सबसे पसंदीदा प्लेन 747 के लिए रखी गई है। एक अकेले 747-8 के बनने में ही तकरीबन 60 लाख से ज्यादा पार्ट्स लगते हैं, और उन सब का एकदम सही वक्त पर यहां होना जरूरी है। जरूरत के समय उत्पादन एक ऐसा सही तरीका है, बोइंग के पैसे की बचत करता है, क्योंकि कंपनी को बहुत पहले से हिस्से पुर्जे खरीद कर स्टोर नहीं करने पड़ते। लेकिन इसमें एक जोखिम है, इसमें टाइमिंग की बहुत अहमियत है। हाँ, पुर्जों की कमी होती रहती है, लेकिन उन पुर्जों का निर्माण ही हमारी सफलता का राज है, और हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह के कलपुर्जों की कमी ना हो जिससे प्रोडक्शन सिस्टम पर असर पड़े।
सबसे बड़े पुर्जों में से एक वो पुर्जा है जिसे आप पहले से नहीं खरीदना चाहेंगे, और ये है $2 करोड़ का इंजन। इंजन्स काफी महंगी चीज होते हैं, तो हम इन्वेंट्री कॉस्ट के नजरिए से अपना पैसा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री से निकलने के एक या दो दिन पहले इंजन्स को हमारे सभी मॉडल्स में लगाया जाता है, वो हमारे पास एकदम सही समय पर ही पहुंचते हैं। एक 747 का इंजन कहीं खो तो नहीं सकता, लेकिन बोइंग को 60 लाख और दूसरे पार्ट्स की भी जरूरत होती है, और ये 7 टन के इंजन जितने बड़े बिल्कुल नहीं होते। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। मुझे एक डिपस्टिक चाहिए। ओके। और शायद एक गन बैरल ड्रिल जो वहां पर है। ओके। हर पार्ट को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक किया जाता है, इसकी मदद से बोइंग अपनी फैक्ट्री के किसी भी पार्ट को कभी भी असेस कर सकता है। एक्सलेंट, ये लीजिए। ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके। सुबह के 2 बजे हैं, लेकिन बोइंग में काम कभी बंद नहीं होता। दुनिया की सबसे विशाल इमारत में एक बहुत ही पेचीदा मनूवर चल रहा है। अभी तक -8 टीम ने विंग्स और फ्यूसेलाज को बना लिया है। अब वक्त है तमाम चीजों को आपस में जोड़कर इस -8 को जंबो जैसा रूप देने का। फ्यूसेलाज के 3 हिस्सों को जोड़ना इस पूरे असेंबली प्रोसेस में एक बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए इसे रात के समय ही किया जाता है। रात के वक्त इसे करना ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि फ्लोर पर कम लोग होते हैं और किसी अनहोनी की आशंका भी कम होती है। इस प्रक्रिया में लाखों डॉलर की कीमत के एयरक्राफ्ट पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, तो इसे एक बहुत ही डेलिकेट इंडस्ट्रियल डांस कहा जा सकता है। ग्राउंड क्रू को बेहद छोटी डिटेल्स की तरफ भी पूरा ध्यान देना होता है। अब क्रू फॉरवर्ड सेक्शन को विंग से जोड़ने की तैयारी में है। किसी सेक्शन को नीचे लाते समय टीम को एकदम सटीक रहना होता है। हमें सही लाइनअप करना होता है ताकि पक्का हो सके कि हमने क्रेडल को सही पोजीशन पर लगाया है। मामला 1/4 इंच का होता है, इस तरफ या उस तरफ। अब विंग्स को सेंटर फ्यूसेलाज से जोड़ दिया गया है। इनका स्पैन फैक्ट्री फ्लोर की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है। 2 ट्रैक्टर्स को एकदम समान रफ्तार से चलना होगा ताकि विंग सेक्शन फैक्ट्री की दीवारों से रगड़ ना खा जाए। दीवारों और विंग टिप्स के बीच सिर्फ 5 सेंटीमीटर का अंतर है। अब टेल सेक्शन का मिलन बाकी प्लेन से हो रहा है। अब जंबो का जाना पहचाना आकार नजर आने लगा है। इसकी लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 68 मीटर है। हजारों हाथों के एक साथ मिलने से ये प्लेन इस स्टेज तक पहुंचा है। इतने बड़े क्रू को मैनेज और ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बोइंग पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से इस काम में खासी माहिर। अब वक्त है इसे पावर देने का। अब इसमें 4 बिल्कुल नए किस्म के इंजन लगाए जाएंगे। पुराना 747 इंजन प्रति घंटा 12,000 लीटर से भी ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करता है। तेल के लगातार बढ़ते दामों के कारण सभी एयरलाइंस तेल की खपत को घटाने के तरीके खोज रही हैं। -8 की कामयाबी के लिए एक ज्यादा कार्यकुशल इंजन खोजना बेहद जरूरी है। जनरल इलेक्ट्रिक जेट इंजन डिजाइन के मामले में काफी आगे है। ये नए इंजन इस कंपनी द्वारा बनाए गए सबसे एफिशिएंट इंजन हैं। बोइंग ने जीई को इन इंजन को नए 747 के लिए ढालने की चुनौती दी, पर ये कम दाम में नहीं मिलने वाले। हर इंजन का दाम $2 करोड़ है, और ये इंजन नए जंबो का अकेला सबसे महंगा उपकरण है, लेकिन ये अपने दाम को वसूल भी करते हैं। फैन ब्लेड्स और केसिंग में कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किए जाने से हर इंजन का वजन 180 किलो कम हो गया है। 4 से मल्टीप्लाई करने पर इसका वजन 10 एक्स्ट्रा पैसेंजर्स के बराबर हो जाता है। इंजन में फैन ब्लेड्स भी कम हैं और टर्निंग स्पीड्स भी। ये जीई द्वारा बनाए गए सबसे कम आवाज वाले इंजन हैं। इनकी एक खूबी और है, ये ईंधन की खपत कम करते हैं और ज्यादा दूरी भी तय कर सकते हैं।
लेकिन ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? सिर्फ 10% हवा का ही मिश्रण ईंधन के साथ होता है जो कंबस्टन चेंबर में जलती है। इससे कई टर्बाइन्स चलती हैं, जो आगे लगे बड़े से फैन को चलाती हैं। ये फैन बाकी 90% हवा को इंजन के पीछे पुश करके थ्रस्ट पैदा करता है। कम ईंधन इस्तेमाल करने के बावजूद ये चारों इंजन पूरी तरह भरे 747-8 को 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ा सकते हैं। इसका सिर्फ एक इंजन ही किसी B-52 के 8 इंजन जितनी थ्रस्ट पैदा करता है। इधर फैक्ट्री में अब वक्त है इंजन को लगाने का। उन विंग्स पर कंक्रीट के विशाल ब्लॉक्स लटक रहे हैं जहां इंजन्स लगाए जाएंगे। इनके बिना एरोप्लेन टेल की तरफ पलट जाएगा। हर इंजन का वजन 7 टन है और ऐसे 4 इंजन्स को उनके ट्रॉली से उठाकर विंग्स पर लगाया जाना है। ये 4 नर हाथियों को लटकाने जैसा ही है। इस काम को धीरे धीरे और एहतियात से किए जाने की जरूरत होती है। रेडी? यस। इस पर थोड़ा दबाव डालते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। ओके। अगर ये 4 विंचेस जरा से भी मिस अलाइन हुई तो ये फिट नहीं होंगे और इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 45 व्हील्स वही है जहाँ आप चाहते हैं। देखिए, हमारी टीम में काफी एकजुटता है। हम सब मिलकर अच्छी तरह काम करते हैं। हमें प्लेन में वही पोजीशन मिली है जो हम चाहते हैं। 0 ऑलराइट, अब पिन्स खींचना शुरू करो। हम इस तरह से बखूबी आपस में कम्युनिकेट करते हैं और किसी मुश्किल में नहीं फंसते हैं कभी भी। सेफ्टी के लिए हार्नेस का इस्तेमाल करें। सेफ्टी के लिए अब हम 12 इंच दूर हैं। अब हम फ्रंट फिटिंग से बोल्ट्स को खींचने वाले हैं। आगे की तरफ एक पिन है जो कि फॉरवर्ड माउंट को लाइन अप करती है, तो हम उसे एंटी सीज से ल्यूब्रिकेट करते हैं। हम अभी 6 इंच और बढ़ेंगे, देखेंगे कि सब कुछ क्लियर है। उसके बाद बाकी के 6 इंच तय करेंगे, फिर चारों बोल्ट्स को खींच लेंगे। और टॉलरेंस क्लोज रखनी है 1 इंच के 1000वें हिस्से के आसपास। ठीक है, कम ऑन। इन विशालकाय इंजन्स को सिर्फ 8 बोल्ट्स के सहारे लगा दिया जाता है। All 4 started. All grabbing. ₹50% हो गया क्या? नहीं हुआ, मैं अभी इसे नीचे कर रहा हूँ। ओके। इन बोल्ट्स पर रियर में टॉर्क है 625 फुट पाउंड्स और आगे की तरफ है ये 375 फुट पाउंड्स। अगले वालों को शेयर ऑफ होना होता है। आप मान सकते हैं कि ये डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इंजन के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो इंजन फ्रंट से शेयर होकर नीचे गिरेगा और एरोप्लेन से टूट कर गिरते वक्त विंग्स या फ्लैप्स को अपने साथ नहीं ले जाएगा। एक तो हो गया। अभी 3 इंजन और लगाए जाने हैं। एक बार फिर क्रू को इस काम को पूरा करने के लिए दिन और रात एक करने होंगे। हफ्तों तक कड़ी मेहनत के बाद अब वक्त है इंजन को ऑन करने का, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सा काम बाकी है। हर सर्किट को एक एक करके चेक करना होगा। इस प्लेन में काफी बिजली का इस्तेमाल होता है। ये 50 से भी ज्यादा घरों में इस्तेमाल के लिए काफी है। इस प्लेन में 214 किलोमीटर लंबी वायरिंग का इस्तेमाल होता है। ये वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बे में पहुंचती है। ये प्लेन का नर्वस सिस्टम है। नई फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी को प्लेन में लगे कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह ऑटोमेटेड नहीं है। पायलट कंप्यूटर को ओवरराइड कर सकता है और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कई बैकअप प्रणालियां भी मौजूद हैं। अगर मुझे फ्लैप्स को नीचे करना होता तो इसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम्स इस्तेमाल करने होते, लेकिन अगर किसी वजह से हाइड्रोलिक्स उपलब्ध नहीं है तो हम एयर प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैप्स को नीचे करने के लिए। और अगर हमारे पास ये उपाय भी नहीं है तो बिजली से फ्लैप्स नीचे किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें बहुत से जरिए हैं।
टेक्नीशियंस हर सर्किट तक टेस्ट सिग्नल भेजने के लिए एक विशेष कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। चेक ब्रेकर 10495 ऑन। ओके, किलो 2 ब्रावो 24 एंड ब्रावो 21 ऑफ। और अब इम्तिहान का पल आ पहुंचा है। अब फैक्ट्री पावर सप्लाई के जरिए पहली बार प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। डैश 8 को पूरा करने के सिलसिले में पावर का दिया जाना एक बेहद अहम पल होता है। इंजन लग जाने के साथ ही ये जंबो जेट आसमान में उड़ने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन उससे पहले इसे एक इंटीरियर चाहिए। जीई के नए इंजन और विंग्स की ही तरह इसके नए इंटीरियर को प्लेन के छोटे वर्जन ड्रीमलाइनर से लिया गया है, लेकिन इसमें नए कलर्स हैं, ज्यादा स्पेस है और मूड लाइटिंग भी। इंटीरियर डिजाइन के बारे में बोइंग के कस्टमर्स के अपने कुछ खास आइडियाज हैं। हर एक कस्टमर अपने जंबो को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने खास कलर्स में पेंट कराना चाहता है। इस मेगा फैक्ट्री की विशाल पेंट शॉप में हरी प्रोटेक्टिव विनाइल को धोकर साफ किया जा रहा है। इसके बाद हाथ से एक बेस लेयर स्प्रे किया जाता है। इसके बाद कस्टमर की इच्छा के मुताबिक इस पर कलर के कई कोट्स किए जाते हैं। इन्हें कलर लेयर्स की तादाद के सिलसिले में एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर ज्यादा पेंट कर दिया जाएगा तो मेटल में आने वाली कमजोरी के लक्षण छिप सकते हैं। इसके अलावा पेंट के ज्यादा वजन के कारण ईंधन की खपत भी बढ़ जाएगी। किसी आम पेंट जॉब में 500 किलो पेंट का इस्तेमाल होता है। ये पेंट 4 साल तक चलेगा। इस प्लेन को बोइंग के अपने कलर्स में पेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसे कंपनी अपने हिसाब से बना रही है। इस प्लेन को डिलीवरी से पहले कई मुश्किल टेस्ट फ्लाइट्स की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। टेस्ट पायलट्स प्लेन को ऐसी चरम अवस्थाओं से गुजारेंगे जिनका सामना इसके पैसेंजर्स को कभी नहीं करना होगा, बशर्ते वो बोइंग के लिए काम करने लगे। इस उड़ान के दौरान सिर्फ हैंड लगेज को परे रखना ही काफी नहीं होगा। बोइंग के इन इंजीनियर्स को बाकी हर चीज को भी बांधना पड़ेगा, अब चाहे ये उनका लंच हो या उनके लैपटॉप। अगर आप इसे क्लैंप करके नहीं रखेंगे तो ये उड़ जाएगा, और ये उड़ता हुआ सीधा छत की तरफ जाएगा और फिर नीचे आके सिर से टकराएगा। फ्लाइट लोड सर्वे प्लेन के लिए और प्लेन में सवार लोगों के लिए सबसे मुश्किल टेस्ट्स में से एक होता है। इसके लिए मजबूत दिल वाला होने की जरूरत है। दिखने में भले ही ये हंसी मजाक लगे, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। फ्लाइट लोड सर्वे में पूरे प्लेन में वजन की जांच की जाती है। पायलट कुछ बहुत ही चरम मनुवर्स करते हैं। वो कुछ ही सेकेंड्स में 0 से 2G की ग्रेविटी तक पहुंच जाते हैं। इससे फ्यूसेलाज और विंग्स पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इसके बाद डैश 8 को सामना करना होता है वेलोसिटी मिनिमम अनस्टिक टेस्ट का। टेस्ट पायलट्स बेहद धीमी रफ्तार पर टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इससे टेल रनवे से टकराती है। इस टेस्ट को पास करने के लिए प्लेन को इसी रफ्तार पर सुरक्षित लिफ्ट ऑफ करना होता है। अगर किसी पायलट को टेक ऑफ करने का इरादा छोड़ना पड़े और उसकी टेल टेक ऑफ से पहले जमीन से टकरा जाए, तो इसके बावजूद भी विमान सेफली टेक ऑफ कर सकता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो टेल के साथ लकड़ी का एक लंबा ब्लॉक अटैच कर देते हैं। टेल जमीन पर ड्रैग तो करती है, पर इससे एयरप्लेन की स्किन को नुकसान नहीं होता। इसके बाद इस नए जेट का फ्लटर टेस्ट होता है। एविएशन की भाषा में फ्लटर का मतलब होता है वाइब्रेशन। इस टेस्ट में फ्लाई बाय वायर की पूरी आजमाइश होती है।
ये सब कुछ तेज रफ्तार पर होता है। एयरलाइन के पायलट्स जिस स्तर पर ऑपरेट करते हैं ये उससे ज्यादा स्पीड पर होता है। हम एक बार में एक कंट्रोल को इस्तेमाल करके एयरप्लेन के हर एक्सेस को वाइब्रेट करते हैं और ये भी देखते हैं कि कंट्रोल कैसे रिएक्ट करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि एयरप्लेन इस थरथराहट को बहुत ही जल्दी शांत कर दे और उसे स्मूथ बना दे। अब वक्त है बीच हवा में ब्रेक लगाकर ये देखने का कि इससे क्या होता है। एयरलाइन पायलट्स को अमूमन ये सिखाया जाता है कि विमान को स्टॉल की हालत में आने पर कैसे बचाया जाए, पर कोई विमान स्टॉल की हालत में बहुत ही कम पहुंचता है। हम अक्सर ये सब देखते रहते हैं। हम एयरप्लेन के इस मॉडल पर सैकड़ों बार स्टॉल्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये वाकई सब कुछ बहुत अच्छे से झेल जाते हैं। हजारों वर्कर्स ने इस एक प्लेन को 60 लाख पार्ट्स के जरिए बनाया है। इसने पायलट्स की हर चुनौती का बखूबी सामना किया। इसने निर्माण में हो रही देरियों और डेडलाइंस का भी मुकाबला किया। अगर आप सिर्फ 33 करोड़ 30 लाख डॉलर खर्च करें तो एक नया बोइंग 747-8 आपका हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत ये मेगा फैक्ट्री अपना 3381वां एयरक्राफ्ट डिलीवर कर रही है। बेशक इसमें थोड़ी देर हुई लेकिन हम कह सकते हैं कि इंतजार का फल मीठा रहा। नया 747-8 अब फिर से आसमान का बेताज बादशाह बनने के लिए तैयार है।